अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आप लोग के UPPTC DLED एडमिशन 2019। तो दोस्तों सबसे पहले अभी जानेंगे कि अभी कितनी सीटें खाली हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी कितनी सरकारी सीटें खाली हैं जो डायट कॉलेज में हमें एडमिशन मिल सकता है। तो अभी दोस्तों फर्स्ट राउंड का आपका रिजल्ट जारी हो चुका है दोस्तों। और एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दोस्तों आपको OTP जनरेट करना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको दूसरा विकल्प मिलेगा चॉइस फिलिंग का। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप लोग कॉलेज लॉक कर दीजिए जहां पर आपको एडमिशन चाहिए हो। सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त तक शेयर करना ना भूलिएगा। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों, वीडियो को फैला दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों सीखेंगे कैसे चेक करें अभी कितनी सीटें खाली हैं। दोस्तों आपको अभी चेक करके हम दिखाते हैं कि अभी आपके जिले में कितनी डायरेक्ट सीटें खाली हैं। कुछ जिलों को दोस्तों हम दिखा देंगे और बाकी के आप लोग देख लीजिएगा। पूरा प्रोसेस हम आपको समझा देंगे कि कैसे चेक करना है, ठीक है। और आपके सवाल के जितने भी क्वेश्चन आ रहे दोस्तों, आपके सारे जवाब दिए जाएंगे। और जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है वह क्या करे, इसका भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों देखिए कुछ बच्चों में ऐसा रिजल्ट शो हो रहा है, ठीक है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जैसे आप लोग का नाम आप सो नहीं हो रहा, खाली लिख के आ रहा पे सीट एक्सेप्टेंस फी। तो दोस्तों इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपको डायट कॉलेज नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है। तो जिन बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, जिनका नाम लिख के नहीं आ रहा, ये सब आ रहा ब्लैंक आ रहा है, तो उनको मतलब ये हुआ कि दोस्तों उन बच्चों को डायट कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। और जिन बच्चों को डायट कॉलेज मिला है तो दोस्तों उनका प्रॉपर रिजल्ट शो किया जा रहा है और उनमें लिख के आ रहा है कि हाँ उन्हें कितने नंबर और क्या क्या दिया जा रहा है उसका रिजल्ट। दोस्तों चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं। तो दोस्तों जिन बच्चों को डायट कॉलेज मिल गया तो दोस्तों उनका रिजल्ट कुछ ऐसे शो हो रहा होगा। देखिए जैसे लिखा है कि कैंडिडेट नेम, उनका नाम शो हो रहा है, जैसे इनका नाम है कुमारी तुलसी यादव, फिर दोस्तों जो भी नाम है। और इनका दोस्तों टोटल मार्क्स था 239.95, मतलब अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 240 नंबर इनके हो रहे थे। यहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन सब कुछ शो हो रहा है, तो आप लोग का यहाँ थोड़ा हाइडेड है। तो दोस्तों देखिए इनका चॉइस नंबर 5 जैसे कॉलेज इनको मिल चुका है कि डायट रामपुर, ठीक है, दिदोरिया, जो भी नाम हो, दिवोरिया करके, देवोरिया, ठीक है, जो भी है। तो दोस्तों अब इनको 10,000 रुपया पेमेंट करने का बात कही गई, तो इनके में पेमेंट हो रही है आगे। तो जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया दोस्तों उनके में कुछ ऐसा शो हो रहा है, और जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उनके में ये ब्लैंक ब्लैंक शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये एरर थोड़ी देर में सही हो जाएगी, जैसे भी पेमेंट का ऑप्शन आ रहा, पे का ऑप्शन नहीं आएगा। जब आपको कोई कॉलेज ही नहीं मिला तो आप पेमेंट किसको करेंगे। तो ये आपके लिए दोस्तों बड़ी खबर है कि आप लोग की जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है दोस्तों वो शुरू हो चुकी है। तो आप लोग को जल्द से जल्द अब नए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है दोस्तों। अभी एक बड़ी बात ये रहेगी कि जो फर्स्ट राउंड के बच्चे काउंसलिंग वाले रहेंगे वो कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि उनके में एरर आ सकती है दोस्तों। चलिए लेकिन आप लोग ट्राई करते रहिए और आप लोगों के सारे सवाल के जवाब दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले चलिए अभी वो देख लेते हैं कि आप लोग के शहर में जो डायट कॉलेजेस है वहां पर कितनी सीटें खाली हैं, तभी आपको दोस्तों पता चल पाएगा कि यार कितनी वैकेंट सीट है, तो उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आपके यहाँ कितनी वैकेंट सीटें हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने हम डिस्कस करने वाले हैं रायबरेली डायट का जिला दिखाने वाले, जैसे रायबरेली डायट है दोस्तों, तो यहाँ पर इसकी कुछ सीटें दिखा रही है दोस्तों। जैसे कि जो इनके टोटल ए बी का मतलब है, ए का मतलब अवेलेबल, बी से वैकेंट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिख के आ रहा है डीएलएड, और जिसकी इनकी टोटल लिखा है अलॉटेड या वैकेंट सीट, मतलब जितनी सीट दोस्तों 173 सीट आपकी अलॉट हो चुकी है, 27 सीट वैकेंट है। तो दोस्तों कौन कौन सी सीटें बची दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरी सीटें, जैसे जनरल की जो दोस्तों मेन सीट होती है जनरल, ठीक है, तो उसमें टोटल 90 अलॉट हो चुकी है, वैकेंट 0 है। तो दोस्तों जो आप लोग ओबीसी कैटेगरी से दोस्तों जो आप लोग लेंगे, तो यहाँ पर ये लेंगे ओबीसी में, तो यहाँ पर दोस्तों टोटल अलॉट 48 सीटें टोटल अलॉट हो चुकी है, कोई भी वैकेंट सीट नहीं है। वैसे दोस्तों अगर एससी कैटेगरी में आएंगे, एससी ओपी देखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी 33 सीट अलॉट हो गई है, 5 सीट खाली है। तो दोस्तों अभी रायबरेली डायट से जैसे 5 सीट अभी खाली है, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 5 एससी सीट की कैटेगरी खाली है। और एसटी की दोस्तों बात करेंगे, एसटी ओपी, तो यहाँ दोस्तों अभी पूरी सीटें खाली है, 4 के 4 अवेलेबल। और दोस्तों जैसे एफएफ का मतलब है फ्रीडम फाइटर, ईएक्स का मतलब है एक्स सर्विस मैन, ठीक है, और ओएच एचआई जैसे हैंडीकैप, ये सब जितनी सीटें होती है दोस्तों वो सब अवेलेबल यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दूसरा डायट कॉलेज देख लेते हैं, जैसे अभी रायबरेली देख लिया हमने, अगर हमें किसी और कॉलेज का दोस्तों देखना, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पूरी लिस्ट शो हो रही है। तो डायट कॉलेज दोस्तों हमेशा सबसे पहले शुरू होता है, जैसे 10 की रैंकिंग शुरू हो रही। अगर हम डायट आगरा की देखने चाहते हैं कि कितने सीटें खाली है, तो अब दोस्तों देख रहे हैं कि आपके सामने ये साइड फिर से डाउन हो चुकी है, मतलब हमने आपके लिए दोस्तों ट्राई किया था कि साइड चल जाए, लेकिन साइड दोस्तों देखिए अब डाउन हो रही है, क्योंकि इस समय साइड पर ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है,
तो दोस्तों हमने फिलहाल आपको लाइब्रेरी डाइट का दिखा दिया, तो उसी के हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि हार्ड डाइट में कितनी सीटें खाली हैं कितनी नहीं। जैसे साइट अप होगी दोस्तों आपको लिंक दे दिया जाएगा, फिलहाल इस साइट का भी दोस्तों आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ताकि आप लोग भी देख सके कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना है दोस्तों। तो जैसे कुछ बच्चों के हमारे पास सवाल आ रहे थे कि सर अगर हमें कोई सीट अब अलॉट हो चुकी तो हम क्या उसको बदल सकते हैं, तो दोस्तों उसका आंसर होगा अभी फिलहाल नहीं। अगर दोस्तों अगर आपने कोई कॉलेज इसमें अलॉट हो गया, जैसे आपको डायरेक्ट कोई कॉलेज अलॉट हो चुका है, अगर आपने जैसे इन्हीं के साथ दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि इन्हें जो चॉइस मिली है वो 5वें नंबर का कॉलेज इन्हें अलॉट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मतलब इससे पहले के 4 कॉलेज इन्होंने और फिल किया होगा और वो कॉलेज इन्हें अलॉट नहीं हुआ। तो मतलब दोस्तों आप जिसे जो भी कॉलेज अलॉट हो चुका है अब उसे कुछ भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों एक चीज और बता दे, काफी बच्चे ये सवाल पूछ रहे थे सर ये 10,000 रुपए कब तक पेमेंट करना है, मतलब लास्ट डेट इसकी क्या है। तो दोस्तों लास्ट डेट को लेकर अभी इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, तो हम आपसे ये कहेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग इसको भाई पेमेंट करके हटाइए, क्योंकि लेकिन जिनके में जो भी कॉलेज चाहते थे जो बच्चे उनको वो कॉलेज अलॉट हुआ है तभी आप लोग पेमेंट करिएगा, नहीं तो देखिए आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। और कोई इसकी अपडेट प्रॉपर निकल के आएगी तो दोस्तों आपको हम प्रॉपर अपडेट भी करा देंगे कि आगे आपका क्या हो सकता है कैसे हो सकता है। फिलहाल दोस्तों जैसे अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया, जैसे इनको नंबर 5 का कॉलेज अलॉट हुआ था दोस्तों, जी हाँ दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे कि मतलब इनसे 4 पहले कॉलेज हो सकता है जो अच्छे कॉलेजेस रहे हो इनको कॉलेज अलॉट ना हो पाया हो, तो इससे ये आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आप लोग भाई जो मन पसंद के कॉलेज आपको अलॉट ना हुए हो। कुछ बच्चों ने ये शिकायत की सर हमें सरकारी जगह जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की देखे हमें जैसे प्राइवेट कॉलेज अब मिल गया हम क्या करें। देखिए दोस्तों ये हमने पहले आपको बोला था कि आप लोग वही कॉलेज फिल करिए फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आपको चाहिए हो, अन्यथा आप बाद में परेशान होंगे। तो दोस्तों बच्चे परेशान होना शुरू हो गए हैं, देखिए जैसे इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट निकल कर आएगी हम आपको अपडेट करा देंगे कि अगर आपने भाई गवर्नमेंट भरा 4 डायट भर दिया, जैसे पहला डायट भरा दूसरा प्राइवेट भर दिया, पहला कॉलेज में सीट फुल हो गई दूसरे में मिल गई, तो अब आपके पास क्या मौका है। तो इसकी अपडेट दोस्तों हम अगली वीडियो में आप तक पहुंचा देंगे कि आगे आप क्या कर सकते हैं। और बच्चों के सवाल आ रहे थे सर जो ये कट ऑफ गई वो गई कितनी है आखिर, इतनी ज्यादा चली गई है क्या, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है दोस्तों आने वाले टाइम में। हर साल अभी रायबरेली जिले के दोस्तों आपने जैसे हमने दिखाया डायट की सारी सीटें फुल हो चुकी है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है मतलब। तो दोस्तों इस कट ऑफ को सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे थोड़ी देर के लिए कि जो इस बार की अभी कट ऑफ गई है जो मिनिमम जा रही है दोस्तों जनरल के लिए 240 से कम में तो बात बनी ही नहीं है, ओबीसी में दोस्तों 240, जी हाँ दोस्तों 240 नंबर वाले बच्चे अपने आप को सही से सेफ नहीं समझ रहे हैं। एससी कैटेगरी में दोस्तों थोड़ा सा आपकी कट ऑफ डाउन थी 238 के करीब दोस्तों इनकी कट ऑफ गई है ओवरऑल एवरेज। एसटी कैटेगरी में दोस्तों इनकी कट ऑफ 231 ऐसी गई है, एसटी में दोस्तों ज्यादा नहीं देखने को मिला फाइटिंग, तो एसटी में दोस्तों 230 ही प्लस बहुत थे, जिन बच्चों के 230 प्लस थे उन्हें लगभग लगभग एडमिशन मिल गया, तो एसटी कैटेगरी वालों को एडवांटेज मिला है पहले राउंड में पूरी तरीके से ये प्लस में जा रहे हैं एसटी कैटेगरी के बच्चे। तो लेकिन जनरल ओबीसी बहुत जबरदस्त फाइट देखने को मिली दोस्तों और कोई भी सीट इन्होंने खाली नहीं छोड़ी है, शायद ही कोई ऐसे डायट कॉलेजेस हो जो यूपी में जो इस बार खाली जा रहे हो उसके अपडेट भी दोस्तों हम आपको कर देंगे, लेकिन इतनी जल्दी साइड डाउन हो गई आपको हमने दिखाया। फिलहाल रायबरेली जिले का हमने एक जगह का आपको डायट कॉलेज दिखा दिया कि कितनी सीटें कैसे हैं कितनी खाली है। तो दोस्तों हर जगह सीटें खाली है लेकिन वो एक्स सर्विस मैन फ्रीडम फाइटर हैंडीकैप ये सबकी तो खाली है, लेकिन एक चीज याद रखिए अगले राउंड में वो भी भरने वाली, क्योंकि जो बच्चे हैंडीकैप ये सबसे आ रहे थे उनकी रैंक थोड़ी ज्यादा थी मतलब 1 लाख के ऊपर रैंक ऐसे वैसे। तो हमने दोस्तों आपको पहले बोला था कि कुछ कैटेगरी जैसे होंगी एससी और एसटी कैटेगरी ऐसे होने वाली कि इनकी फर्स्ट राउंड में इनकी सीट कभी भी आज तक फुल नहीं हुई है। तो एससी और एसटी तो दोस्तों हमने आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाया, फिजिकल हैंडीकैप का भी दोस्तों दिखाया, ये भी सीटें खाली चल रही है दोस्तों। लेकिन ओबीसी और जनरल यूपी में दोस्तों पता है जो हमारी ओबीसी कैटेगरी आती है ना इसके में बच्चे बहुत ज्यादा है, ओबीसी और जनरल कोई ज्यादा अंतर नहीं है, खाली यही अंतर होता है सीटों का। तो ओबीसी वाले बच्चे भाई ज्यादा सीट था नहीं, लेकिन अभी दोस्तों आपको एक चीज और है, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जी हाँ दोस्तों जैसे आप एससी कैटेगरी में सीट तो आपने भाई रिजर्व कर लिए, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट ना हो तो पहले बनवा लीजिएगा। अगर आप जाते हैं एडमिशन कराने अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है एससी का तो आपका आवेदन निरस्त हो सकता है, जी हाँ दोस्तों। आप जिस भी कैटेगरी से आते हो जनरल वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जनरल में माने जाएंगे, लेकिन अगर आपने फायदा उठाया ओबीसी से आके एससी से एसटी से आके आपने एक सीट अपनी रिजर्व कर ली उसके बाद आपको उसका कास्ट सर्टिफिकेट शो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपने दो देख लिया, एक ब्लैंक देखा एक रंगीन देख लिया, ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं लेकिन आपने ब्लैंक का मतलब यही दोस्तों कि इनको फिलहाल बेचारे को
कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया है इन बच्चों को, जिनका ब्लैंक शो हो रहा है, खाली झूठ का ही शो हो रहा है कि भाई पे सीट एक्सेप्टेंस फी। भाई जब कॉलेज अलॉटमेंट ही नहीं हुआ तो पैसा किसको पेमेंट करें? तो साइट कह रहा है ये थोड़ी देर में सही हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर में आपके पास एक मैसेज आएगा, आपको कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हो पाया, आप फिर से दोबारा से काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लीजिए। तो दोस्तों आप देखिए, आपके पास सारी सीट्स वैकेंट सीट का आपके पास डाटा आ जाएगा कि कहाँ पर कितनी सीटें भरी हैं, तो अब आप लोग आसानी से प्राइवेट कॉलेज पा सकेंगे। तो ये आपके लिए अच्छी खुशखबरी भी होने वाली है दोस्तों कि अब प्राइवेट कॉलेजेस आप लोग बहुत ही आसानी से पा सकेंगे। और भी दोस्तों कोई भी अपडेट्स होगी आपको पहुंचा दी जाएगी बीटीसी एडमिशन से संबंधित भाई। लेकिन आपको देखिए बहुत ही जल्दी इसकी आपको देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो आप लोग की जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू हो गई, आप जल्दी से आप लोग काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लीजिए। अब आपको अधिक से अधिक कॉलेजेस फिल करने, लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात आए तो उन्हीं कॉलेज को फिल करिएगा दोस्तों जिनमें आपको एडमिशन चाहिए हो, नहीं तो ऐसा कोई कॉलेज मिल गया जिसमें आप एडमिशन नहीं चाहते थे फिर आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब जिन्हें कॉलेज नहीं मिला था दोस्तों हमने बताया, वो फिर से काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। जाने कितनी सीटें खाली हमने देख लिया, कैसे चेक करें दोस्तों कितनी सीटें खाली हैं, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग इसको देख पाएंगे कि भाई कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। तो चलिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, और जिनका हो गया हो बधाई हो, जिनका नहीं हुआ हो परेशान मत होइए, कोई नौकरी नहीं लगी दोस्तों कि जिनका हो गया वो उसी मनाए और जिनका नहीं हुआ वो दुखी मनाए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट।